क्या कभी आपको अपने थ्रोट में पेनफुल ड्राई या स्क्रैची फीलिंग हुई है? यानी क्या आपने गले में दर्द के साथ खरखराहट महसूस किया है या जलन महसूस की है? अगर हाँ तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको भी कभी ना कभी सोर थ्रोट यानी गले की खराश हुई है। वैसे तो यह एक बहुत आम समस्या है, पर इससे परेशानी बहुत होती है। ज़्यादातर सोर थ्रोट का कारण इन्फेक्शन और एनवायरमेंटल कंडीशन ही होता है। आपके गले का कौन सा हिस्सा सोर थ्रोट से प्रभावित हुआ, इस आधार पर सोर थ्रोट 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला फेरिंजाइटिस, जिसमें आपके मुंह का पिछला हिस्सा प्रभावित होता है। दूसरा टॉन्सिलाइटिस, जिसमें टॉन्सिल्स में सूजन और रेडनेस होती है। तीसरा लैरिंजाइटिस, जिसमें वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स में सूजन और रेडनेस होती है, जिससे आपका गला भी बैठ सकता है। चलिए अब बात करते हैं सोर थ्रोट के लक्षणों की। सोर थ्रोट किस कारण से हुआ, इसके आधार पर सोर थ्रोट के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि गले में स्क्रैची बर्निंग सेंसेशन, ड्राई टेंडर और इरिटेटेड फीलिंग होना सोर थ्रोट के लक्षण हैं। सोर थ्रोट के कारण आपको निगलते समय या बात करते समय गले में दर्द हो सकता है। आपके थ्रोट और टॉन्सिल्स भी ज़्यादा लाल दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी जब सोर थ्रोट सीवियर हो जाता है तो टॉन्सिल्स में पस भरे सफ़ेद चकते यानी घाव दिखाई दे सकते हैं। ये सफ़ेद पैचेस वायरस के कारण होने वाले गले की खराश की तुलना में बैक्टीरिया के कारण होने वाली गले की खराश में अधिक आम है। इसके अलावा सोर थ्रोट में आपको कुछ और लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि नेजल कॉन्जेशन यानी नाक बंद हो जाना, रनी नोज यानी कि नाक का बहना, कफ यानी कि खांसी, फीवर यानी कि बुखार, चिल्स यानी ठंड लगना, स्वोलन ग्लैंड्स इन द नेक यानी कि गर्दन के पास की ग्रंथियों में सूजन, हार्स वॉइस यानी कि मोटी या कर्कश आवाज, बॉडी एक्स बदन दर्द, हेडेक यानी कि सिर दर्द, ट्रबल इन सॉल्विंग यानी कि निगलने में परेशानी होना, एपेटाइट लॉस भूख न लगना, ये सारे लक्षण आपको सोर थ्रोट के होने पर दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब सोर थ्रोट के कुछ कॉमन कारणों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कारण है कोल्स, फ्लू और दूसरे वायरल इन्फेक्शंस। लगभग 90% सोर थ्रोट वायरस के कारण ही होते हैं। तो वे कौन कौन से वायरस हैं जो सोर थ्रोट कॉज कर सकते हैं? कॉमन कोल्ड वायरस, जो कि सबसे कॉमन वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस जिससे फ्लू होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस जो कि एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ है और सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट होती है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स, इन सब वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको सोर थ्रोट हो सकता है। दूसरा है स्ट्रेप थ्रोट और दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाला सोर थ्रोट। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी सोर थ्रोट हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन है स्ट्रेप थ्रोट, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसमें थ्रोट और टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों में होने वाली 40% सोर थ्रोट का कारण स्ट्रेप थ्रोट ही होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि गोनोरिया और क्लेमाइडिया के कारण भी सोर थ्रोट हो सकता है। तीसरा है एलर्जीज। जब कुछ एलर्जिक सब्सटेंस जैसे कि पोलेंस, ग्रास, पेट टेंडर के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया दिखाता है, तो कई तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि नाक बंद होने, वाटरी आइस, छींक आना और गले में जलन जैसे लक्षण पैदा करते हैं। नाक में अतिरिक्त बलगम गले के पीछे से निचले गले में टपक सकता है, जिसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है, जिससे गले में जलन हो सकती है, फलस्वरूप गले में खराश पैदा होती है। चौथा है ड्राई एयर यानी कि शुष्क हवा। ड्राई एयर मुंह और गले से नमी चूस सकती है, जिससे गले और मुंह में सूखापन और स्क्रैची फीलिंग होती है। सर्दियों के महीनों में जब हीटर चल रहा होता है तो हवा सबसे अधिक ड्राई यानी कि शुष्क होती है। पांचवा है स्मोक, केमिकल्स और दूसरे इरिटेंट यानी कि जलन पैदा करने वाले सब्सटेंस। वातावरण में उपस्थित कई अलग अलग रसायनों और अन्य पदार्थों से गले में जलन होती है, जिसमें शामिल है सिगरेट और अन्य तंबाकू का धुआं, वायु प्रदूषण, साफ सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे फिनॉल, एसिड्स आदि भी जलन पैदा कर सकते हैं। छठवां है इंजरी यानी कि चोट लगना। कोई भी चोट जैसे गर्दन पर चोट लगना या कट जाना गले में दर्द का कारण हो सकता है। आपके गले में कुछ खाना फंस जाए तो भी आपको परेशानी हो सकती है और गला छिल सकता है। लंबे समय तक अगर आप लगातार बोलते रहते हैं तो आपकी वोकल कॉर्ड्स और गले की मांसपेशियों पर तनाव पड़ता है, इसलिए चिल्लाने के बाद, जोर जोर से बात करने के बाद, लंबे समय तक गाने के बाद आपके गले में खराश हो सकती है। अक्सर जो ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनमें सोर थ्रोट एक आम समस्या होती है, एक आम शिकायत होती है, क्योंकि उन्हें अक्सर चिल्लाना पड़ता है, जोर जोर से लगातार बात करनी पड़ती है। सातवां है गैस्ट्रो ईसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़, GERD।
गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट का एसिड वापस ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस क्या है? वो नली जो भोजन को मुंह से पेट तक ले जाती है। यह एसिड डास नली यानी कि ईसोफेगस और गले को जला देता है, जिससे हर्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स और सोर थ्रोट जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। आठवां है ट्यूमर। कभी कभी गले में, वॉइस बॉक्स में या जीभ में ट्यूमर हो जाने पर भी सोर थ्रोट हो सकता है, हालांकि यह एक आम कारण नहीं है। जब सोर थ्रोट कैंसर का एक लक्षण हो तो यह कुछ दिनों के बाद भी ठीक नहीं होता है। चलिए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि सोर थ्रोट को घर पर ही कैसे ठीक करें। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन घरेलू इलाज है कि आप सोर थ्रोट होने पर गुनगुने पानी से में थोड़ा सा नमक डालकर बार बार गरारा करें, गार्गल करें। आप गर्म तरल पदार्थ पिए, जैसे गर्म पानी, गर्मा गर्म चाय शहद के साथ, और गर्म सूप या गर्म पानी में थोड़ा नींबू डालकर पिए। हर्बल टी पिए, जैसे कि अदरक तुलसी या काली मिर्च वाली चाय, जिससे आपके गले को थोड़ा आराम मिलेगा। आप लोजेंजेस भी ले चूज सकते हैं, जैसे कि विक्स, स्ट्रेप्सिल्स। तो ये मेडिकेटेड हार्ट कैंडीज हैं जो आपको गले की खराश में थोड़ा राहत दिला सकती है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपको सोर थ्रोट हो तो आपकी आवाज़ को थोड़ा आराम करने दें, यानी कि ज़्यादा बोले ना, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम को सोर थ्रोट को ठीक करने के लिए थोड़ा समय मिलेगा। आमतौर पर सोर थ्रोट अगर कॉमन वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो वह अपने आप ठीक हो जाता है, पर अगर सोर थ्रोट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कुछ खास सीरियस कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं, जिसके दिखने पर आपको सोर थ्रोट को ट्रीट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको सीवियर सोर थ्रोट हो गया है, आपको निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, या सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, सांस लेने में दर्द हो रहा है, मुँह खोलने में परेशानी हो रही है, सोर थ्रोट के साथ आपको बहुत बुखार भी है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, सोर थ्रोट के कारण गले में इतने घाव हो गए हैं कि आपके लार या बलगम के साथ खून आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर सोर थ्रोट एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक ठीक नहीं होता तो आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।